एसपी सिटी सोनम कुमार ने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डेस्क सीआईडी कैंप कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा कि जनपदवासी मोबाइल नंबर 7839865841 व 7839865843 पर संपर्क करके किसी भी तरह के अपराध की शिकायत की सूचना दे सकते हैं तथा सूचना देने वाले नागरिक का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने कहा इस डेस्क पर 4 कर्मचारी 24 घंटे 2 शिफ्टों में अपनी सेवा देंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा अंदर का थोड़ा कवर कर लीजिएगा बाहर। सर यहाँ पे किस चीज़ का शुभारंभ किया गया? ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने ये हेलो सीआईडी अभियान प्रारंभ किया है। सीआईडी का तात्पर्य है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टेस्ट। इसके अंतर्गत 2 मोबाइल नंबर हम लोग जारी कर रहे हैं, 7839865841 7839865841 और दूसरा नंबर है 7839865843 7839865843। इन नंबरों पर 2400 घंटे जो है आप कभी भी जनता कॉल कर सकती है और कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकती है। जो भी व्यक्ति कॉल करेगा उसका नाम और मोबाइल नंबर गोपनीय रखा जाएगा, इसके बारे में नहीं बताया जाएगा, पर उसकी जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए संबंधित CEO SHO वगैरह को बताया जाएगा। इस संबंध में 12-12 घंटे की यहाँ ड्यूटी लगाई जा रही है और एक समय में 2 व्यक्ति यहाँ पे कार्य करेंगे, टोटल 4 व्यक्ति इस CID ऑफिस में काम करेंगे। निम्न संबंधित सूचना आप लोग नोट करें जिसके बारे में आप बता सकते हैं। पुलिस की निष्क्रियता या असंवेदनशीलता, पुलिस निर्दयता, अवैध हिरासत, अवैध गतिविधियाँ, असामाजिक तत्वों के बारे में कोई जानकारी, संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी, संगठित अपराध, वांछित अपराधी, नशीले पदार्थों या अपमिश्रित अवैध शराब के संबंध में अगर कोई जानकारी होती तो आप बता सकते हैं इस CID ऑफिस। अवैध अधिकार, अवैध हथियार, शस्त्र व्यापार, अपराध, अपराधी हिस्ट्री सीटर, आवश्यक अपराधियों के बारे में आप बता सकते हैं। आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी और जमाखोरी अगर होती है, खास करके कोरोना के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा हो रहा है, उसके बारे में आप तत्काल इन नंबरों पर सूचित कर सकते हैं। महिलाओं संबंधी कोई अपराध होता है, अपराध से संबंधित कोई भी प्रासंगिक जानकारी अगर आपके पास है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके हमें दे सकते हैं। जो भी व्यक्ति हमें संपर्क करेगा उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, उसका मोबाइल नंबर और उसकी पहचान इन कार्यालय में जो लोग तैनात हैं उनको सीक्रेट रखना है और उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो किसी और को शेयर न करें और आपकी समस्या का समाधान तत्काल होगा।